हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लासेस में हमने सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, इन सब के बारे में बात किया था। और ज्योमेट्री में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं और आज ये फोर्थ क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन्स से और उसके बाद पढ़ेंगे पैरेलल लाइन्स, फिर आगे पढ़ते हुए ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। कोई भी एक लाइन किसी भी दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसी को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। मैं आप लोगों को फिगर बना के समझाता हूं। चलिए, जैसे ये लाइन L1 है और ये लाइन क्या है, L2 है। ठीक है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। एक लाइन यहां से हमने खींच दी, हमने ड्रॉ कर दी, जिसका नाम दे दिया हमने P। ये लाइन P है। ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये जो लाइन हमने खींची है P, ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। दो पॉइंट पे दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही, यही इसी लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। वो लाइन जो किसी भी दो या दो से ज्यादा फिगर को इंटरसेक्ट करते हुए एक पॉइंट से होके जाए उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये L3, यहां पे भी एक पॉइंट को टच कर रहे PQR। ये भी क्या है, फिर भी ये P क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा पॉइंट, दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती हुए कोई भी लाइन जाए उसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, आप लोग ट्रांसवर्सल लाइन समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल बनते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। जैसे कोई भी ये लाइन है L और कोई भी ये लाइन है M। ठीक है, ये लाइन L है और ये लाइन M है। ठीक है, यहां से मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी जिसे का हमने नाम दे दिया, क्या है ये, P। ठीक है, अब हम लोग इसमें एंगल्स के बारे में बात करें। ठीक है, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 मान लेते हैं, इसको 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8। अब हम लोग इसमें एंगल्स को खोजेंगे, कौन कौन सा एंगल क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं इंटीरियर एंगल कितने हैं, कौन कौन से एंगल इंटीरियर, जो लाइन के अंदर हो और जो लाइन के बाहर होंगे, मतलब आउटसाइड लाइन जो एंगल होंगे उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग पहले बात करते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एंगल 1 क्या है, एंगल 1 एक्सटीरियर है, एंगल 2 भी एक्सटीरियर है, एंगल 7 ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 8 क्या है, ये भी एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, सबसे पहले एंगल 3। एंगल 3 क्या है, इंटीरियर। इंटीरियर एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कोण। इंटीरियर एंगल 3 भी इंटीरियर है, एंगल 4 भी इंटीरियर है, एंगल 5 भी इंटीरियर एंगल है और एंगल 6। ये चार क्या है, इंटीरियर एंगल, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में। एक्सटीरियर जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण हिंदी में। ठीक है, एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर है, एंगल 2 क्या है, ये भी एक्सटीरियर है, एंगल 7 क्या है, ये भी एक्सटीरियर है, और एंगल 8 क्या है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है, जैसे ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का पेयर हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये इंटीरियर एक्सटीरियर का पेयर है, ये इंटीरियर का पेयर है, ये इंटीरियर का पेयर है, ये एक्सटीरियर का पेयर है। अब हम लोग थर्ड में लिखेंगे पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं इस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं। चलिए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करते हैं। एंगल 1 एक एक्सटीरियर और एंगल 5 एंड एंगल 5, ये क्या है, एक पेयर हो गया। सेकंड पेयर कौन सा है,
एंगल 2 और एंगल 6, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, एंगल 2 एंड एंगल 6। थर्ड पेयर कौन सा है? एंगल 4 एक इंटीरियर हो गया और एंगल 7 एक क्या हो गया? एक्सटीरियर। ठीक है, सेम साइड होना चाहिए। जो एंगल होगा एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल जो हम लेंगे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग में, वो सेम साइड होना चाहिए। यहाँ का एक्सटीरियर यहाँ का इंटीरियर नहीं ले सकते, एक ही साइड का। यहाँ का अगर हमने एक्सटीरियर लिया तो यहीं का ही हमें इंटीरियर लेना पड़ेगा, इसी साइड का। ठीक है, थर्ड हो गया एंगल 4 और एंगल 7। और फोर्थ क्या है? फोर्थ एंड लास्ट कौन सा? एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है, ये तो हो गया पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट में दो होता है, दो टाइप का अल्टरनेट एंगल होता है। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कौन कौन सा? अल्टरनेट में एक जेड का फिगर बनता है ऐसे, ये एंगल बराबर होता है इंटीरियर, ये फिगर, ये एंगल इसके बराबर होता है। बराबर नहीं होता, ये अल्टरनेट होते हैं पेयर के। बराबर तब होगा, इक्वल तब होगा, बराबर मतलब इक्वल, इक्वल तब होगा जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। लेकिन यहां पर तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। अभी हम लोग पैरेलल के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अभी हम लोग बात कर रहे हैं पेयर्स के बारे में, अल्टरनेट एंगल्स का कौन कौन सा पेयर हो सकता है। अब बताइए, आप इंटीरियर का बात कर रहे हैं, बाहरी का मतलब एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, 1, 2, 7, 8 के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। अभी आप सिर्फ 4, 3, 5, 6 के बारे में बात करें, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। तो इसमें कौन कौन सा पेयर है अल्टरनेट एंगल्स का? जेड का फिगर बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो ये एंगल होगा। एंगल पहला कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 6। ये दोनों एंगल क्या है? पेयर ऑफ इंटीरियर, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेकंड क्या है इसमें? एंगल 3 और एंगल 5, ये ऐसे बन रहा है, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, अब फिफ्थ क्या है? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। तो पहला कौन सा है? ये एक्सटीरियर में, ये जेड का फिगर ऐसे बना, एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8। फर्स्ट कौन सा? एंगल 1 एंड एंगल 8। सेकंड कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, 2 एंड एंगल 7। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बाद, ये आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट कौन, नेक्स्ट जो है वो है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, एक ही साइड में इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम लोग बात करें। चलिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है? पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। तो नंबर 1 कौन सा है? सेम साइड इंटीरियर्स के बारे में हम लोग बात करें, जो आंतरिक कोण है, मतलब जो लाइन के अंदर ही। तो एंगल 4 एंगल 5 ये क्या है? ये सेम साइड पेयर है, एक ही तरफ का पेयर है। तो कौन सा है पहला? एंगल 4 एंड एंगल 5, ये एक पेयर हो गया। सेकंड पेयर कौन सा है? एंगल 3 एंड एंगल 6, ये एक ही साइड में, इसी को हम लोग बोलते हैं सेम साइडेड ऑफ द सेम साइडेड एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम 180 कब होता है? जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये थे ट्रांसवर्सल के बारे में।
अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। किसी भी पैरेलल लाइंस पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए ट्रांसवर्सल, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें कौन कौन सा एंगल होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे, जैसे कोई भी पहले हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, दो से ज्यादा भी, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल का ये साइन है, और इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम ये 90 डिग्री का डिस्टेंस ये हमेशा इक्वल होगा, यहाँ जितना होगा यहाँ भी उतना होगा, ये दोनों कहीं भी जाके इंटरसेक्ट आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जिनके लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस हो वो हमेशा इक्वल रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस से यहाँ से एक लाइन ट्रांसवर्सल हमने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन पी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन उसे ही बोलते हैं जो किसी भी दो लाइन को एक एक पॉइंट पे कट करते हुए जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये यहाँ पे इस पॉइंट को पी मान लेते हैं और इसको क्यू, ये पी और क्यू पॉइंट पे क्या कर रही है, लाइन पी क्या कर रही है, लाइन एल को पी पॉइंट पे और लाइन एम को क्यू पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, और जो लाइन कट कर रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन से कौन कौन से एंगल बनते हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन।